हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। नाउ आज के इस वीडियो में पीएसआईआर के डेली मेंस आंसर राइटिंग इनिशिएटिव को कंटिन्यू करते हुए हम डे 29 के वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए थे उनके अप्रोचेस को हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। नाउ इससे पहले के डेज के जो भी वीडियोज हैं उनको ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड किया जा चुका है, आप उन्हें वहाँ जाकर चेकआउट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो डेली क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए दिए जा रहे हैं उनके मॉडल आंसर के पीडीएफ्स आपको ओनली आईएएस के ऑफिशियल पीएसआईआर ग्रुप पर मिल जाएंगे, आप उन्हें वहां जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। नो आज के मेन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आज का मेन टॉपिक समझते हैं। द टॉपिक इज फेडरलिज्म, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, चेंजिंग नेचर ऑफ सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इंटीग्रेशनिस्ट टेंडेंसीज एंड रीजनल एस्पिरेशन, इंटरस्टेट डिस्प्यूट। सो जो आज का हमारा टॉपिक है वो एक्चुअली फेडरलिज्म के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। एंड माइंड यू कि यूपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो पेपर वन सेक्शन बी का जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करते समय आपको फेडरलिज्म को एक इंपॉर्टेंट प्लेस देना होगा। फेडरलिज्म को अपने सिलेबस कंप्लीशन के अंदर एक इंपॉर्टेंट प्लेस देना है और जितने भी डिफरेंट एंगल्स यहाँ पर फेडरलिज्म के दिए हुए हैं सबके ऊपर एटलीस्ट एक पेज का आपके पास राइटअप रेडी होना चाहिए ताकि आप एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले उसको रिवाइज कर सके और अपने एग्जाम के अंदर अच्छे पॉइंट्स को मेंशन कर सके। ठीक है, तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ अब हम क्वेश्चन का आज का जो मेन क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन उसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। द क्वेश्चन सेज अ फेडरल स्टेट इज मोर इफेक्टिव देन अ यूनिटरी वन व्हेन डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन लिव इन अ डिस्क्रीट टेरिटोरियल कॉन्सेंट्रेशन एज एन इंडिया। एनालाइज द सिचुएशन ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया इन रिगार्ड टू प्रेवलेंट रीजनलिस्ट अपोजिशन रिगार्डिंग फिस्कल फेडरलिज्म, जो कि 20 मार्क का क्वेश्चन है जिससे हमें 350 वर्ड्स के अंदर लिखना है। समझिए इस चीज को। क्वेश्चन सेज कि एक ऐसा कंट्री मतलब इंडिया एक ऐसी कंट्री जहां पर डाइवर्स ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन एक साथ रहते हैं, मतलब अलग अलग जो डाइवर्सिटी के लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ रहते हैं, ऐसी जगह पर जो फेडरल स्टेट है इट इज मोर डिजायरेबल एज कंपेयर टू यूनिटरी वन। सिंपल शब्दों में समझे तो क्वेश्चन का कहना यह है कि कोई भी ऐसी देश, कोई भी ऐसा स्टेट जहां पर वेरियस कल्चर के लोग, वेरियस टाइप के पॉपुलेशन एक साथ रहने की कोशिश करें तो वहां पर कभी भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उतना बेटर ऑप्शन नहीं होगा। रादर एक फेडरल जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वही एक बेटर ऑप्शन होगा। तो पहली चीज तो ये, इसी स्टेटमेंट को एनालाइज करने को बोला गया है और फिर पूछा गया है एनालाइज द सिचुएशन ऑफ फेडरलिज्म इन रिगार्ड टू प्रेवलेंट रीजनलिस्ट अपोजिशन रिगार्डिंग फिस्कल फेडरलिज्म। इसका मतलब क्या है, बोल रहा है देखो हमें यहाँ पर फेडरलिज्म को एनालाइज करना है कि आफ्टर ऑल इंडिया के लिए एक फेडरल नेचर बेटर क्यों है। साथ ही साथ हमें यह भी एनालाइज करना है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स, किस तरीके के जो अपोजिशंस आ रहे हैं इन द फील्ड ऑफ फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल मतलब क्या होता है, फिस्कल मीन्स मनी से रिलेटेड। सो जो मनी से रिलेटेड जो फेडरलिज्म है यानी कि फाइनेंशियल जो फेडरलिज्म है, फाइनेंशियल फेडरलिज्म, उसमें किस तरीके की हिकअप्स आ रहे हैं, किस तरीके के ऑपोजिशन आ रहे हैं और आफ्टर ऑल किस तरीके से जो फाइनेंशियल फेडरलिज्म का कंसेप्ट है वो हमारे ओवरऑल फेडरलिज्म को डिमोट करने की कोशिश कर रहा है, यही चीज हमारे क्वेश्चन के अंदर पूछी गई है। सो आई होप आप क्वेश्चन को समझ गए, आई होप आपको क्वेश्चन प्रॉपरली समझ आ गया कि एग्जैक्टली क्वेश्चन का मेन डिमांड क्या है। अब हम क्वेश्चन के मेन पार्ट के ऊपर चलते हैं, उसके अप्रोच को समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हम इसके इंट्रोडक्शन को समझेंगे कि आपको इसके अंदर इंट्रोडक्शन क्या लिखना है। तो जस्ट लाइक वी हैव डन इन प्रीवियस क्वेश्चंस, आपको बिगर पिक्चर को इसके अंदर इंट्रोड्यूस करना है। व्हाट इज द बिगर पिक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन, इट इज फेडरलिज्म। सो यू नीड टू एक्सप्लेन एज टू व्हाट इज फेडरलिज्म, फेडरलिज्म होता क्या है। सो आप बताएंगे कि एक ऐसी कंट्री या फिर एक ऐसा स्टेट या फिर एक ऐसा लॉ या फिर एक ऐसा गवर्नमेंट जहां पर पावर इज डिवाइडेड, पावर जो है वो डिवाइडेड है। पावर डिवाइडेड है किस चीज में, बिटवीन वेरियस यूनिट्स, वेरियस यूनिट्स, ठीक है, अलग अलग यूनिट्स के बीच में पावर डिवाइड हो जाती है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि फेडरलिज्म जो होता है वो रेगुलेट करता है, रेगुलेट करता है डिविजन ऑफ पावर, ठीक है, क्या आप समझ सकते हैं। ठीक है, सो आपको इस तरीके से कुछ इंट्रोड्यूस करना है अपने क्वेश्चन को जहां पर आप फेडरलिज्म को डिफाइन करेंगे। सो फेडरलिज्म को आप ये बोल सकते हैं कि कोई भी सेंटर, कोई भी ऐसा कंट्री, कोई भी ऐसा स्टेट, कोई भी ऐसा लॉ या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट जहां पर पावर जो है वो डिवाइडेड है बिटवीन वेरियस यूनिट्स। इसके तहत क्या हो रहा है, पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है इसका मतलब है कि पावर का डिविजन हो रहा है, पावर का पावर का बंटवारा हो जा रहा है, यानी कि पावर जो है एक सिंगल हैंड्स में कंसंट्रेट नहीं हो रही है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई होप आप ये चीज समझ गए। अब देखो इंडिया के अंदर ये डिफरेंट यूनिट्स क्या है, ये जो हम बोल रहे थे कि बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, तो इंडिया के अंदर डिफरेंट यूनिट्स क्या है, तो इंडिया के अंदर डिफरेंट यूनिट्स हैं। टॉप पे है सेंटर, उसके बाद आता है स्टेट और उसके बाद आता है लोकल बॉडीज।
ठीक है। सो इंडिया का जो फेडरलिज्म है कुछ इस तरीके से डिवाइडेड है, इन यूनिट्स के बीच में डिवाइडेड है। एम हमने देख लिया, फेडरलिज्म के मेन एम्स क्या होंगे और कौन फेडरल कहलाएगा ये भी हमने देख लिया कि जिसके इसके पावर डिवाइडेड होंगे उनको हम फेडरल नेचर की गवर्नमेंट कहेंगे। ठीक है, सो आई होप दिस मच इज क्लियर कि आपको फेडरलिज्म को किस तरीके से डिफाइन करना है। अब हम आते हैं बॉडी के अंदर। सो बॉडी को स्टार्ट करते टाइम सबसे पहले आपको किस चीज के ऊपर जाना है, सबसे पहले तो आप ये बताओगे कि इंडिया जो है एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, राइट? मल्टीकल्चरल सोसाइटी है। जब मल्टीकल्चरल सोसाइटी है तो क्या भारत एक यूनियन ऑफ गवर्नमेंट है या फिर एक फेडरेशन ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे पहले तो हमें यह समझाना है। तो देखिए इसको कैसे समझाएंगे, आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 लीजिए। आर्टिकल 1 क्या बोलता है, बोलता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, यहां तक कि मैं आपको यह बताता हूं कि जो फेडरल वर्ड है, फेडरेशन जो वर्ड है, इट हैज बीन यूज्ड नोवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, नोवेयर इन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि जो फेडरेशन वर्ड है, यानी कि फेडरल जो वर्ड है, वो हमारे भारतीय संविधान के अंदर एक बार भी मेंशन नहीं किया गया। तो हम कैसे कह सकते हैं आफ्टर ऑल कि हमारा कंट्री एक फेडरल कंट्री है, एक यूनियन मतलब यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है? क्या हम ये नहीं मान सकते कि आर्टिकल 1 के अंदर अगर ये लिखा हुआ है कि हमारा कंट्री एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, तो क्या हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा कंट्री एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है? इसी चीज को हमें यहां पर संभालना है, इसी चीज को हमें यहां पर समझने की कोशिश करनी है। देखो समझो, यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब है कि पावर जो है वो एक सिंगल एंटिटी के पास रहेगा। वो एंटिटी कौन होगी? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट मतलब किसी भी पर्टिकुलर कंट्री में अगर पावर जो है एक सिंगल गवर्नमेंट के पास है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसके नीचे कोई नीचे स्टेट गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं है, उसके नीचे कोई लोकल गवर्नमेंट का कंसेप्ट नहीं है, तो हम उसे कहते हैं कि दैट इज अ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, दैट इज अ यूनिटरी बॉडी। लेकिन भारत के अंदर तो ऐसा नहीं है। भारत के अंदर तो हम ये भी जानते हैं कि ऑल दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फेडरल वर्ड का कहीं डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं किया है, बट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सारी की सारी पावर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक सेंट्रल पावर्स और एक स्टेट पावर्स। यहां तक कि जो हमारा सेवन स्केड्यूल है, सेवन स्केड्यूल, उसके अंदर भी हमारे पावर्स को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, राइट? एक को यूनियन लिस्ट बोलते हैं हम, एक को स्टेट लिस्ट बोलते हैं, एक को कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं। जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट की पावर्स हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की एक्सक्लूसिव पावर्स हैं, और कंकरेंट लिस्ट के अंदर दोनों की पावर्स हैं। सो क्या हम ये नहीं कह सकते कि ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन ने फेडरल वर्ड डायरेक्टली यूज नहीं किया है, बट इम्प्लिसिटली उन्होंने अलग अलग जगहों पर पावर को डिवाइड करके, अलग अलग लिस्ट को बनाकर ये चीज शो करने की कोशिश की है कि भारत के अंदर एक फेडरेशन होना चाहिए, राइट? तो ये हमें शो करता है कि ऑल दो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्ड तो ये मेंशन किया गया है कि भारत एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है, लेकिन जिस तरीके का हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर है, जिस तरीके का हमारा गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है, और जिस तरीके का हमारा पावर का डिवीजन है, ये शो करता है कि भारत एक फेडरल स्टेट है। मतलब भारत के अंदर फेडरेशन जो है राइट फ्रॉम द बिगनिंग एक इम्प्लिसिट डॉक्यूमेंट था, मतलब एक इम्प्लिसिट वर्ड था जो कि डायरेक्टली कहीं लिखा नहीं गया था, बट हर जगह इसका मीनिंग ऑटोमेटिकली पता चल रहा था। सो आई होप आप ये चीज समझ गए। सो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि यूनियन और फेडरलिज्म के बीच में डिफरेंस क्या है, और क्यों भारत यूनियन गवर्नमेंट होते हुए भी एक फेडरल गवर्नमेंट है, क्यों इंडिया को हम सिर्फ एक यूनियन गवर्नमेंट नहीं कह सकते, राइट? सो आई होप आप इतना चीज समझ गए। अब देखो एक चीज समझो कि भारत के अंदर जो फेडरेशन है वो किस तरह का है, मतलब फेडरेशन का सेंस क्या है इंडिया के अंदर। फेडरेशन का मतलब क्या होता है, अगर आप यूएसए में देखेंगे तो यूएसए में टोटल 50 स्टेट्स हैं, ठीक है, और 50 के 50 स्टेट्स ने एक साथ आकर के एक अग्रीमेंट साइन किया है, एक अग्रीमेंट साइन किया है कि हम सब एक सिंगल नेशन के अंदर रहेंगे। इसीलिए यूएस को यूनाइटेड स्टेट्स बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो उस कंट्री का एक्चुअल नेम है अमेरिका, बट वहां पर डिफरेंट स्टेट्स हैव यूनाइटेड अंडर अ अग्रीमेंट, तो यूएस का ये प्रोविजन है। बट अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो क्या आपने इंडिया में कभी भी ये सुना है कि डिफरेंट स्टेट्स हैव कम अंडर अ अग्रीमेंट? नो, भारत के अंदर कोई भी अग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। भारत के अंदर ये नहीं हुआ है कि डिफरेंट स्टेट्स आर कंबाइनिंग अंडर अग्रीमेंट टू फॉर्म अ नेशन, ऐसा कभी नहीं हुआ है। इंडिया हैज बीन अ नेशन, इंडिया हैज बीन अ सिंगल नेशन, एंड इंडिया का जो, देखो इंडिया का अगर आप ज्योग्राफिकल एंटिटी देखोगे, कल्चरल एंटिटी देखोगे, अगर आप सोशियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया एक सिंगल नेशन की तरह काम करता है, राइट? सो ये चीज तो हम समझ गए क्या है। सो हमारा जो फेडरेशन है वो कुछ ऐसा फेडरेशन नहीं है कि हमारे स्टेट्स जब चाहे बाहर निकल जाएंगे इस अग्रीमेंट से। यूएस की स्टेट्स के पास ये पावर है कि अगर उन्हें लगेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट उनका ध्यान नहीं रख रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उनके बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रही है, या फिर किसी भी तरीके से उनके साथ पक्षपात हो रहा है, तो वो लोग इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट से बाहर निकल सकते हैं,
अपने आप को एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, पर भारत के अंदर किसी भी स्टेट के पास ऐसा कोई राइट नहीं है जिसके तहत वो लोग भारत से बाहर निकल जाए, इंडिया के इस पर्टिकुलर फेडरल नेचर से बाहर निकल जाए। ऐसा नहीं, हम ऐसा नहीं कह सकते कि किसी दिन अचानक से एमपी या फिर छत्तीसगढ़ उठकर बोलेगा कि अब मैं इस पर्टिकुलर अग्रीमेंट को फॉलो नहीं करना चाहता एंड आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट नेशन। ये चीज इंडिया के अंदर पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, सो आई होप आप इतना समझ गए कि भारत के अंदर जो फेडरेशन है वो किसी अग्रीमेंट का मोहताज नहीं है। पहली चीज तो किसी अग्रीमेंट के कारण नहीं बना, और सेकंड चीज अगर कोई भी स्टेट चाहे तो अचानक से उठ करके भारत से सीसीड नहीं कर सकता, मतलब कि इंडिया के इस अग्रीमेंट से या फिर इंडिया के फेडरल नेचर से बाहर नहीं निकल सकता। सो अगर इंडिया में सारे के सारे स्टेट्स को बाहर निकलने की आजादी नहीं है, सबके सब स्टेट्स एक साथ इसी पर्टिकुलर एंटिटी में रहने वाले हैं, एक सिंगल नेशन के अंदर रहने वाले हैं, तो क्या ये एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो गया? क्या एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं हो गया कि सबके सब एक सिंगल रह रहे हैं? नो, इसको ध्यान से समझिए। हम एक यूनिटरी गवर्नेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो पैटर्न ऑफ गवर्नेंस है वो फेडरली नेचर ही तो है। देखो, हमने ये बोला कि स्टेट इस फेडरेशन से बाहर नहीं निकलेगा, स्टेट इस यूनिटी को तोड़ नहीं सकता, बट स्टेट्स को किस तरीके से काम करना है वो स्टेट खुद डिसाइड करेगा थ्रू स्टेट लिस्ट। स्टेट को किस तरीके से काम करना है वो स्टेट खुद डिसाइड करेगा थ्रू स्टेट के एक्सक्लूसिव पावर्स जो कि उनको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दी गई है। क्या आप समझ पा रहे हैं? सो हमारा जो भारत है वो फेडरल इस कारण नहीं है कि बिकॉज पावर डिवाइडेड है, सिर्फ मतलब इस कारण नहीं है कि हमारे यहाँ पर सेंटर और स्टेट अलग अलग है, रादर हमारे यहाँ पर फेडरल इस कारण है बिकॉज हमारी पावर्स एंड हमारे रूल्स प्रॉपरली डिवाइडेड है। आई होप आप इतना समझ गए कि हमारा जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक्चुअली हमें एक फेडरल नेशन बनाता है, एक यूनिटी नेशन से हटाकर। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो देखो, यहां तक तो आप ये समझ गए कि भारत ने यूनियन चूज किया या फिर फेडरेशन चूज किया। आई होप आप समझ गए कि भारत ने एक यूनियन गवर्नमेंट होते हुए भी एक फेडरल पैटर्न ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन चूज किया। ठीक है, आई होप दिस मच इज क्लियर। अब समझिए, भारत ने फेडरेशन को चूज क्यों किया, भारत ने फेडरेशन क्यों चूज किया? तो इसके मेन दो रीजन है, सबसे दो इफेक्टिव रीजन क्या है। पहली चीज तो इंडिया का वास्ट साइज, इंडिया का जियोग्राफिकल एंटिटी जो है बहुत बड़ा है। सो इंडिया का जियोग्राफिकल एंटिटी इतना बड़ा होने के कारण क्या होता है कि इंडिया में अलग अलग जो देखो अलग अलग जो यूनिट्स है, जैसे यहाँ पर महाराष्ट्र के कुछ और डिमांड्स होंगी, कर्नाटक के कुछ और डिमांड्स है, केरला के कुछ और डिमांड्स है, तो सबको गवर्न करने के लिए हम एक सिंगल वन साइज फिट ऑल का अप्रोच यूज नहीं कर सकते। सबको अपने अपने खुद के गवर्नेंस एंड नीड्स के हिसाब से उनको लॉज बनाने की पावर होनी चाहिए। इसलिए हमने एक फेडरल नेचर बनाया, एक फेडरल पावर डिस्ट्रीब्यूशन किया जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो पावर है सबके लिए, बट साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को भी पावर दी गई अपने अपने खुद के स्फीयर में। मतलब महाराष्ट्र अपने लॉज बना सकता है, कर्नाटक अपने लॉज बना सकता है, केरला अपने लॉज बना सकता है। तो पहली चीज तो पहला हमारा रीजन है वास्ट साइज। हमारी ज्योग्राफी इतनी बड़ी है कि हर एक यूनिट को एक कॉमन सेंटर से गवर्न करना पॉसिबल नहीं है, अलग अलग तरीके से उसको गवर्न करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आई होप आप पहला रीजन समझ गए। अब देखिए, सेकेंड रीजन ये है कि ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी के साथ साथ में हमारे यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब कि अलग अलग पॉपुलेशन जो है, अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन जो है, अलग अलग एथनिसिटी की पॉपुलेशन जो है, वो सब हमारे साथ में रहते हैं, एक साथ में सबके सब रहने की कोशिश करते हैं। तो इसके कारण हर एक जो पॉपुलेशन है उनको खुद को सेल्फ गवर्न करने के लिए एक अपना खुद के रूल्स चाहिए। राइट, जैसे मान लो कि अगर एक पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन ओडिशा में रह रही है तो वो चाहेगी कि उनको खुद के कल्चर्स के हिसाब से, उनको खुद के नीड्स के हिसाब से, उनके एस्पिरेशंस के हिसाब से गवर्न किया जा सके। सिमिलरली अगर बिहार के लोगों की बात करेंगे तो उनके खुद के कुछ नीड्स एस्पिरेशंस होंगे, महाराष्ट्र के कुछ अपनी नीड्स एंड एस्पिरेशंस हैं, पंजाब की कुछ अपनी एस्पिरेशंस हैं। सो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये डिसाइड किया कि हर एक स्टेट को अपने अपने तरीके से ये गवर्न करने दो कि उन्हें किस तरीके की नीड्स हैं, उनके एस्पिरेशंस क्या हैं, उनकी यू नो एम्स क्या है, और किस तरीके से वो अपने आप को गवर्न करना चाहते हैं। नाउ इसके कारण क्या होगा, पहली चीज तो हमारी कंट्री के अंदर एक यूनिटी बनी रहेगी। देखो अब समझ रहे हो, हम फेडरल नेचर प्रोवाइड करके एक यूनिटरी जो हमारा गवर्नमेंट है, हमारा जो यूनिटरी फॉर्म है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। आई होप आप समझ पा रहे हैं कि हम फेडरेशन और यूनिटरी के बीच में किस तरीके से एक लिंकेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई होप आप ये दोनों पॉइंट समझ गए कि आफ्टर ऑल भारत ने फेडरेशन को चूज क्यों किया, इंडिया ने क्यों चूज किया कि इंडिया के अंदर एक फेडरल नेचर ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। आई होप इतना आप समझ चुके हैं। अब हम बात करते हैं अलग अलग तरीके की यू नो पावर्स के। ठीक है, जो फेडरेशन में जो पावर्स मिलते हैं, तो देखो सबसे पहले तो ये चीज समझो कि फेडरेशन के अंदर जो पावर डिवाइडेड होती है वो एवरी सिंगल स्फीयर के अंदर डिवाइडेड होती है। लेजिस्लेटिव यानी कि लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव यानी कि लॉ इंप्लीमेंटेशन,
जुडिशियरी यानी कि लॉस को प्रॉपरली चेक करना, हर एक के अंदर पावर जो है डिवाइडेड है। लेजिस्लेचर के अंदर ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे पार्लियामेंट होता है, तो स्टेट गवर्नमेंट के लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। एग्जीक्यूटिव में आप जानते हैं कि जिस तरीके से पार्लियामेंट के मिनिस्टर्स बनते हैं, उस तरीके से जो एमएलएज होते हैं वो भी आगे जाकर मिनिस्टर बनते हैं अपने अपने स्टेट में। जुडिशियरी में अगर आप देखो तो जुडिशियरी डायरेक्टली पावर डिविजन को फॉलो नहीं करता है, बट स्टिल वी कैन से फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो टॉप पे है तो हाईकोर्ट नीचे है। हर एक स्टेट के अंदर हाईकोर्ट होता है, यानी कि अगर लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रीवांसेस के अगेंस्ट अगर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के ग्रीवांसेस के अगेंस्ट हाईकोर्ट में जा सकते हैं, राइट? तो इस तरीके से आप फेडरल नेचर को डिवाइड तो कर सकते हैं, बट अगर आपको याद होगा तो ये क्वेश्चन जो है वो फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर है, राइट? फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर, मतलब कि फाइनेंशियल फेडरलिज्म के ऊपर है, मतलब कि मनी से रिलेटेड, पैसों से रिलेटेड जो फेडरलिज्म है उसके ऊपर है। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि आफ्टर ऑल फाइनेंशियल फेडरलिज्म क्या है, कैसे है, किस तरीके से काम करती है, ठीक है? तो देखो, फाइनेंशियल फेडरलिज्म का सीधा सा मतलब समझे हम, तो अलग अलग तरीके के जो फंड्स हैं, अलग अलग तरीके के जो टैक्सेस हैं, उनका एक प्रॉपर डिवीजन होना चाहिए बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, ठीक है? इसी चीज को हम कहते हैं फाइनेंशियल मतलब फेडरलिज्म है, फिर फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल का मतलब होता है मनी, ठीक है? सो आई होप इतना समझ गया। सो फिस्कल फेडरलिज्म का सीधा सा मतलब है जहां पर टैक्सेस का डेवोल्यूशन हो, टैक्सेस का डिवीजन हो, फंड्स का डेवोल्यूशन हो, फंड्स का डिवीजन हो, और सेंटर और स्टेट दोनों को प्रॉपर पैसे मिले अपने अपने स्फीयर्स को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए। I hope this much is clear. But देखिए, over the time, especially पिछले कुछ सालों में जो fiscal federalism का concept है उसके अंदर काफी सारे concerns उठने start हुए हैं, काफी सारी problems उठनी start हुई, और यहां तक कि जो fiscal autonomy की बात करते हैं हम, fiscal autonomy, उसकी demand जो है लगातार increase हुई है by states। इसको समझो क्या है fiscal autonomy का मतलब है, fiscal का मतलब है money, autonomy का मतलब है freedom, मतलब the freedom to use money as I want to. फ्रीडम टू टेक मनी एज आई वॉन्ट टू एंड फ्रीडम टू इम्पोज टैक्सेस एज आई वॉन्ट टू। सिंपल शब्दों में मतलब कि स्टेट कहता है कि मुझे जिस तरीके से मैं पैसे यूज करना चाहूँ मुझे उस तरीके से करने दो, सेकंड मैं जिस तरीके से लोगों से टैक्सेस कलेक्ट करना चाहूँ मुझे उस तरीके से करने दो, और जिस तरीके से मैं पैसों को काइंड ऑफ यू नो लेना चाहता हूँ, मतलब अपने कामों को करने के लिए मैं कहाँ से पैसे लेना चाहता हूँ वो चीज़ मुझे डिसाइड करने दो, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डायरेक्टली रोल नहीं होना चाहिए। मतलब यहाँ पर स्टेट और सेंटर, आपको याद होगा फेडरेशन में जो दो डिफरेंट यूनिट्स थी उनमें से एक यूनिट ये बोलता है कि मुझे ज्यादा ऑटोनॉमी चाहिए, मुझे ज्यादा फ्रीडम चाहिए अपने पैसों को यूज करने के लिए, अपने पैसों को प्रॉपरली यू नो रेगुलेट करने के लिए कि आफ्टर ऑल किस चीज में मुझे कितना पैसा देना है, ये सब रेगुलेट करने के लिए मुझे ज्यादा पैसे चाहिए, मुझे ज्यादा काम चाहिए, ठीक है? तो स्टेट यहां पर इस चीज की डिविजन कर रहा है, उसके कारण सेंटर और स्टेट के रिलेशन के बीच में काफी सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भारत के फेडरल नेचर के ऊपर काफी सारी प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही है, बिकॉज सेंटर स्टेट रिलेशन ही तो आगे जाकर फेडरल नेचर बनाता है, राइट? सो इस तरीके से हमने यहां पर एक टाइप का बेस क्रिएट किया जहां पर हम फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर और बताने वाले हैं, फिस्कल फेडरलिज्म का जो हमारा क्वेश्चन था उसको हम प्रॉपरली एड्रेस करने वाले हैं, ठीक है? सो आई होप दिस मच इज क्लियर। अब देखो, अब हम समझते हैं कि एग्जैक्टली स्टेट्स की प्रॉब्लम क्या क्या है स्पेशली रिलेटेड टू फिस्कल फेडरलिज्म, मतलब जो हमारा मनी से रिलेटेड जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसमें स्टेट्स की क्या क्या प्रॉब्लम है, स्टेट्स एग्जैक्टली किस किस चीजों पर डिमांड कर रहा है और क्या क्या उसके आर्ग्यूमेंट्स हैं, उसे हम समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टेट्स का कहना यह है कि देखो, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो रेवेन्यू के बहुत सारे मीडियम्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट तो जब चाहे उसके ऊपर टैक्स लगा सकता है, सेस लगा सकता है, राइट? अलग अलग तरीकों से यू नो काइंड ऑफ पैसे रेज कर सकता है, बट स्टेट के पास ये सारी की सारी पावर्स नहीं है। स्टेट के पास जो मनी होता है, जो फिस्कल मतलब कंसेप्ट होता है, जो पैसे होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं, उसको लगाने के जो मतलब उसको कलेक्ट करने के जो उनके पास ऑप्शंस है वो भी बहुत ही लिमिटेड है। तो सिंपल शब्दों में समझे कि स्टेट का कहना यह है कि जब हम फेडरल नेचर में, देखो फेडरल नेचर में क्या होता है, सेंटर एंड स्टेट दोनों ही इक्वल होते हैं, दोनों में से कोई ऊपर या कोई नीचे नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि सेंटर बड़ा है स्टेट छोटा या फिर स्टेट बड़ा है सेंटर छोटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। फेडरल नेचर में दोनों के पास पावर है और अपने अपने स्फीयर्स के अंदर पावर है। यस, कुछ जगहों पर सेंट्रल को गवर्नमेंट को ज्यादा पावर्स दी गई है एज कम्पेयर टू स्टेट, बट सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ उन्हीं स्फीयर्स में थोड़ा सा ऊपर है स्टेट से। हम ये नहीं कह सकते कि ओवरऑल फेडरल नेचर में सेंटर बड़ा है स्टेट छोटा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? फेडरल नेचर की खूबसूरती यही है कि सेंटर और स्टेट दोनों को इक्वल लेवल पर देखा जाता है, पहली चीज तो इसीलिए स्टेट का कहना यह है कि जब हम दोनों इक्वल लेवल पे हैं तो आफ्टरऑल सेंटर को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज क्यों मिल रही है पैसों को कलेक्ट करने की, या फिर रिवेन्यू को अपने ज्यादा से ज्यादा इलास्टिक बनाने की, और ज्यादा उनको बेनिफिट्स क्यों मिल रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटीज क्यों मिल रही है और हमें क्यों नहीं मिल रहे। सेकेंड चीज,
अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पैसे चाहिए, तो पैसे रेस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेस होते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा, लोन्स ले सकते हैं वो लोग डोमेस्टिक से, फॉरेन से, देन वो डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, राइट। ऐसे अलग अलग तरीके के वो लोग तरीके यूज कर सकते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट के पास जो ये ऑप्शन होते हैं वो बहुत ही लिमिटेड होते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास ये सारे के सारे जो प्रोविजंस हैं वो पहली चीज तो मतलब वो नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते। डेफिसिट फाइनेंसिंग को स्टेट डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता है। अगर उसको फॉरेन मतलब किसी एंटिटी से लोन लेना है, तो उसके लिए भी उसको सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसे रेस करने की जो पावर है वो भी काफी लिमिटेड है एज कम्पेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो वंस अगेन द क्वेश्चन कम्स कि जब स्टेट और सेंटर बराबर है फेडरलिज्म में, तो आफ्टर ऑल सेंटर को स्टेट से ज्यादा पावर्स क्यों मिल रही है, सेंटर को स्टेट से ज्यादा बेनिफिट्स क्यों मिल रही है, अपॉर्चुनिटीज क्यों मिल रही है, ठीक है। थर्ड चीज, स्टेट्स एक और कंसर्न रेज करते हैं। स्टेट्स का कहना यह है, देखो जो टैक्सेशन पावर्स है, टैक्सेशन पावर वो तो इक्वली डिवाइड होने चाहिए। तो टैक्सेशन पावर में क्या किया गया है, तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला पावर है जिसमें पहले कुछ ऐसे लिस्ट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उनके ऊपर टैक्स लगा सकता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट टैक्सेस लगा सकता था, बिकॉज इन सबको ऑब्वियसली जीएसटी के अंदर सबज्यूम कर दिया गया है। बट कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर हम कह सकते हैं कि ये लोग रेसिडुअरी पावर्स हैं। रेसिडुअरी मतलब कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर्स दी गई है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट को एक्सक्लूसिव पावर्स दी गई है, बट बाद में ये बोला गया कि जितनी भी रेसिडुअली चीजें हैं उन सब के ऊपर अगर टैक्सेस लगानी है तो उसका पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगा। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रेसिडुअरी पावर्स डायरेक्टली नहीं प्रोवाइड करनी, लेटर ऑन रेसिडुअरी पावर्स भी उनके पास चली गई, तो उसके कारण स्टेट का जो एम्बिट था टैक्सेस इंपोज करने का वो और छोटा हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्बिट था वो और बड़ा हो गया, राइट। सो इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं वो स्टेट्स रेज करने की कोशिश करते हैं। स्टेट्स एक्चुअली दे वांट टू शो कि जो भी फिस्कल फेडरलिज्म का कंसेप्ट चल रहा है एक्चुअली उस चीज से स्टेट जो है वो अलग अलग तरीके से संतुष्ट नहीं है। तो देखिए यहां पर जो है दो मेन टाइप के इम्बेलेंसेस की बात की जाती है, स्पेशली फिस्कल फेडरलिज्म में बोला जाता है कि एक तो वर्टिकल इम्बेलेंस होता है, वर्टिकल इम्बेलेंस, और एक होता है हॉरिजॉन्टल इम्बेलेंस, ठीक है। इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। वर्टिकल इंबैलेंस का मतलब है ऊपर और नीचे, राइट। वर्टिकल का मतलब होता है समथिंग अप एंड डाउन। सो अप में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा हमने देखा कि उसके पास फिस्कल पावर ज्यादा है, और नीचे क्या है, स्टेट। सो जब भी पावर का डिफरेंस जो है वो सेंटर और स्टेट के बीच में होगा तो उसे हम कहते हैं हमेशा वर्टिकल इंबैलेंस, ठीक है। जहां पर हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट करने की आजादी है, उनके पास ज्यादा टैक्सेस इंपोज करने की आजादी है, तो हमने देखा स्टेट के पास काफी चीजें पावर कम हो जाती है। तो सेंटर और स्टेट के बीच में जो हम डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं दैट इज कॉल्ड एज वर्टिकल इंबैलेंस, पहली चीज। अब हम समझते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, साइड बाय साइड। साइड का साइड बाय का मतलब क्या है, स्टेट एंड स्टेट, मतलब कि जब एक स्टेट के पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू सेकंड स्टेट, उसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंबैलेंस। बिकॉज इंडिया के अंदर हम क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज तो सेंटर और स्टेट के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए और स्टेट और स्टेट के बीच में बैलेंस होना चाहिए। इन दोनों ही जगहों पर, यानी कि वर्टिकल लेवल पे और हॉरिजॉन्टल लेवल पे, दोनों ही जगहों पर बैलेंस क्रिएट होना चाहिए। बट द पॉइंट इज जब इन दोनों के बीच में इम्बैलेंसेस आते हैं तब हम कहते हैं कि हमारा फिस्कल फेडरलिज्म जो है वो काइंड ऑफ प्रॉब्लमेटिक वे की तरफ जा रहा है। अगर सेंटर और स्टेट के बीच में प्रॉब्लम्स हो तो हम कहेंगे वर्टिकल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं, और अगर डिफरेंट स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम्स आए तो हम कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल इम्बैलेंसेस आ रहे हैं। आई होप दिस मच इज क्लियर। तो देखो समझो, अब हमें समझना है कि एग्जैक्टली क्या क्या सजेशन आप दे सकते हैं हमारे फिस्कल फेडरलिज्म को सॉल्व आउट करने के लिए। हमारे फिस्कल फेडरलिज्म का जो भी इश्यूज हमने जो चीजें भी डिस्कस की अभी उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। तो पहली चीज तो आपको यह बताना है कि भारत का जो फिस्कल फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसको फिर से एक बार रिवैम्प करने की जरूरत है। सिंपल शब्दों में कहें तो उसको री इंजीनियर करने की जरूरत है, री इंजीनियर करने की जरूरत है। हम यहाँ पर जो नीति आयोग का जो मेन रोल्स है उसको हमको हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा। हमें फाइनेंस कमीशन का जो रोल है उसे थोड़ा सा चेंज करना होगा। जीएसटी काउंसिल को आप जानते हैं उसका जो रोल है उसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, राइट। एंड ऑफ द डे हमें कुछ ऐसे स्टेप्स लेने होंगे ताकि फिस्कल फेडरलिज्म का जो मतलब जो बातें हो रही है, फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर जो भी डाउट्स वगैरह हो रहे हैं उन डाउट्स को एक्चुअली हम सॉल्व आउट कर सकें। तो देखो क्या क्या सजेशन है। पहली चीज तो आप फाइनेंस कमीशन के ऊपर सजेस्ट दे सकते हैं कि फाइनेंस कमीशन अभी बहुत ही ज्यादा ओवरबर्डन हो गया, ओवरबर्डन। बिकॉज देखो उसको पहली चीज तो जो पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज है उसके प्रॉपर एलोकेशन के बारे में बात करनी होती है, साथ ही साथ उसको कैपिटल डेफिसिट के बारे में बात करनी होती है, उसको करंट डेफिसिट के बारे में बात करनी होती है। द पॉइंट इज एक सिंगल बॉडी जिसके अंदर मेंबर्स जो बहुत ही लिमिटेड हैं वो लोग यू नो इतने बड़े लेवल पे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट इतने बड़े लेवल के जब डेटा को मैनेज करते हैं तो उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत सारा टाइम जाता है, बहुत सारी एनर्जी जाती है, बहुत सारा एफर्ट जाता है। द पॉइंट इज तो पहला सजेशन यह है कि फाइनेंस कमीशन को पहली चीज तो उनके कुछ स्फीयर्स के अंदर रेगुलेट कर देना चाहिए, उनको वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर देना चाहिए।
तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फाइनेंस कमीशन है उनको पब्लिक गुड्स एंड सर्विसेज का काम करते देना मतलब करते देते रहना चाहिए, बट जो कैपिटल डेफिसिट का जो जो बेसिकली कंसेप्ट है, करंट डेफिसिट का जो कंसेप्ट है, वो फिस्कल मतलब ये फाइनेंस कमीशन से लेकर के किसी और बॉडी को देना चाहिए। ठीक है, पहली चीज तो यानी कि फाइनेंशियल जो फाइनेंस कमीशन जो कि ओवरबर्डन हो रखी है राइट नाउ फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट करते करते, उसको थोड़ा सा आप इसका बर्डन को कम करो। सेकेंड चीज, तो बर्डन ये मतलब किसको दे सकते हैं, ये हम दे सकते हैं नीति आयोग को। नीति आयोग को यहां पर कैपिटल डेफिसिट, करंट डेफिसिट और इस तरीके के जितने भी फंड एलोकेशन की बात होती है, फंड एलोकेशन की बात होती है, वो सारा का सारा काम आप नीति आयोग को दे सकते हैं, बिकॉज नीति आयोग इनडायरेक्टली यही सारा काम कर ही रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो ऑल दो नीति आयोग के पास ये पावर्स नहीं है करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट को प्रॉपरली चेकआउट करने की, फिस्कल फेडरलिज्म को यू नो चेक करने की, बट नीति आयोग इन सबका डेटा ऑलरेडी कंपाइल कर रहा है। अगर आप देखते हैं कि अलग अलग तरीके के जो फिस्कल डेटाज होते हैं उसको कौन रिलीज करता है हर साल, उसको नीति आयोग ही तो रिलीज करता है। अगर आप देखोगे तो स्टेट्स के बीच में हेल्दी कॉम्पिटिशन इंक्रीज करने के लिए कौन प्रमोट मतलब कौन प्रमोट करता है, नीति आयोग ही तो कर रहा है। द पॉइंट इज इनडायरेक्टली नीति आयोग ऑलरेडी वही सारे काम कर रहा है जो कि आगे जाकर उसको फिस्कल फेडरलिज्म को प्रमोट करने में मतलब हेल्प करेंगे। तो क्यों ना हम ये पावर्स जो कि अभी फाइनेंस कमीशन को और ज्यादा यू नो ओवरबर्डन कर रही हैं, ये पावर्स नीति आयोग को ट्रांसफर कर दें। इससे दोनों का काम आसान हो जाएगा, फाइनेंस कमीशन को थोड़ा सा बर्डन लेस हो जाएगा और नीति आयोग जो ऑलरेडी काम कर रहा है उनको थोड़े से एडिशनल पावर्स मिल जाएंगे। राइट, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। थर्ड सजेशन आप दे सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का। देखो डिसेंट्रलाइजेशन का सीधा सा मतलब है अभी जो पावर मेनली डिवाइडेड है फेडरल नेचर के अंदर वो स्टेट और सेंटर के बीच में डिवाइडेड है। राइट, हमें कोशिश करनी चाहिए कि लोकल गवर्नमेंट को भी तो इसके अंदर इंक्लूड करें। लोकल गवर्नमेंट को अभी डायरेक्टली पैसा मिलता नहीं है, बजट से डायरेक्टली पैसा लोकल गवर्नमेंट को दिया नहीं जाता है। अभी जितना भी लोकल गवर्नमेंट का पैसा है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के थ्रू आता है, तो स्टेट फाइनेंस कमीशन है। बट द पॉइंट इज अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन के ऊपर लोकल गवर्नमेंट डिपेंडेंट होगा तो अपने डेवलपमेंट की नीड्स को अपने तरीके से कैसे कर पाएगा। ये तो वही बात हो गई ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को आप डिपेंडेंट कर दो, तो स्टेट को तो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती कि स्टेट हम सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रहेंगे तो हम अपने नीड्स अपने एस्पिरेशन के हिसाब से काम कैसे करेंगे। सेम चीज यहां पर लोकल गवर्नमेंट का भी तो है, तो कहीं ना कहीं लोकल गवर्नमेंट भी तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है। अगर स्टेट फाइनेंस कमीशन के अंदर से हटा करके लोकल गवर्नमेंट को एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाए, उनको अलग तरीके से फंडिंग प्रोवाइड की जाए, बजट के थ्रू उनको फंडिंग प्रोवाइड की जाए, तो ये चीज एक्चुअली हमारे फिस्कल फेडरलिज्म को और ज्यादा प्रमोट करने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं, हमारे लोकल बॉडीज को एम्पावर करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। राइट, सो इस तरीके के आप सजेशन दे सकते हैं और इस तरीके से आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो आई होप आप इस क्वेश्चन को प्रॉपरली समझ गए कि इस क्वेश्चन की मेन डिमांड्स क्या थी, किस तरीके से क्वेश्चन को हमें लिखना था। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन को एंड कैसे करना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है। तो देखिए आप हाँ यहाँ पर यह बता सकते हैं कि जो भी अबव सजेशन हमने दिए हैं, जैसे कि इफेक्टिव डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, अगर आप जीएसटी की बात करें जीएसटी के अंदर और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए, ठीक है, इसको और ज्यादा इक्विटेबल बनाओ ताकि सेंट्रल और स्टेट को दोनों को इक्वल पावर्स मिले, फाइनेंस कमीशन को और ज्यादा इंडिपेंडेंसी प्रोवाइड करो, उसकी बर्डन को कम करो, नीति आयोग को थोड़े से बर्डन शिफ्ट कर दो, ये सब चीजें अगर हम करेंगे तो हम भारत के अंदर एक नया फिस्कल फेडरलिज्म को हम प्रमोट कर सकते हैं, एक ऐसा फिस्कल फेडरलिज्म जो कि एक्चुअली हमें आगे जाकर के 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में हेल्प करने वाला है, 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनने में हेल्प करने वाला है। राइट, सो इस तरीके से आप अपने आंसर को एंड कर सकते हैं। सो आई होप आपको जो पहला क्वेश्चन है वो चीज प्रॉपरली समझ आ गई। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द जो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है। देखिए जो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो भी फेडरलिज्म से रिलेटेड ही है। द क्वेश्चन सेज इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स आर नथिंग बट रेमनेंट्स ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। कमेंट 10 मार्क का क्वेश्चन है जिसको आपको 150 वर्ड्स के अंदर लिखना है। समझो इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहता है कि जो इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, हमारे अलग अलग जो फेडरेशन है उसके अलग अलग स्टेट जो आपस में डिस्प्यूट करते रहते हैं, वो एक्चुअली न्यू प्रॉब्लम नहीं है, रादर जो हमने फेडरल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है ये लार्जर एक स्ट्रक्चरल इशू है, एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, यानी कि हमारे फेडरेशन का ये प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम किसी दो स्टेट के बीच का नहीं है, रादर हमारे फेडरेशन के सिस्टम का है। किस तरीके से हमने ये फेडरेशन का सिस्टम बनाया है, उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से किया है, उस चीज के कारण ये प्रॉब्लम्स इमर्ज हो रही है। इसी चीज के ऊपर आपको कमेंट करना है। सो आई होप आप क्वेश्चन समझ गए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द यहां पर हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट। आफ्टर ऑल इंट्रोडक्शन किस तरीके से लिखना है, आपको इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आप ये बता सकते हैं कि भारत के अंदर एक फेडरेशन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया जाता है जहां पर पावर डिवाइडेड है। पावर डिवाइडेड है कुछ इस तरीके से कि कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है एंड कुछ पावर सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ में मिलकर एक्सरसाइज करती है, पहली चीज। तो सेकंड चीज आप ये बोल सकते हैं कि देखो डिस्पाइट द फैक्ट कि भारत के अंदर बहुत ही क्लोज कॉपरेशन होता है
जो रिलेशन बिटवीन द स्टेट्स है वो काफी अच्छे तरीके से काम करते हैं, बट इसके बावजूद काफी बार ये देखा गया है कि जो डिस्प्यूट्स हैं वो अराइज होने स्टार्ट हो जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बीच में। तो उसके रीजन अलग अलग हो सकते हैं, कहीं कहीं पर बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, कहीं पर वाटर को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, कहीं कहीं पर टेरिटरीज को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है, कहीं पर किसी रिसोर्सेज को लेकर डिस्प्यूट हो रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग रीजन के कारण ये डिस्प्यूट्स है वो ऑलरेडी हमारे स्टेट के अंदर हो रहे हैं, अलग अलग स्टेट्स के अंदर हो रहे हैं। हमारा ये मेन एम ये है कि आफ्टर ऑल किस तरीके से इन डिस्प्यूट्स को हम सॉल्व आउट कर सकते हैं ताकि जो हमारा फेडरल नेचर है वो और ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके, राइट? सो इस तरीके से आप अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो आप अपना बॉडी स्टार्ट करेंगे तो बॉडी का आप स्टार्ट कैसे करेंगे? आप बॉडी के थ्रू आप ये बता सकते हैं कि भारत के अंदर फेडरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। तो आई होप आपको पिछले क्वेश्चन में याद होगा जो हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया कि इंडिया के अंदर आफ्टर ऑल फेडरेशन चूज क्यों किया गया था, बिकॉज ऑफ इट्स वास्ट साइज एंड वास्ट डाइवर्सिटी ऑफ पॉपुलेशन, राइट? ये दो मेन रीजन है कि भारत के अंदर फेडरेशन चूज किया गया था। आप यहाँ पर किसी स्कॉलर को मेंशन कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट स्कॉलर है फिलिप महमूद जो है, एक काफी इंपॉर्टेंट स्कॉलर है जो कि कहते हैं कि देखो कि जो फेडरल नेचर है ना, फेडरल नेचर वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर इंडिया जैसी कंट्री के अंदर ये सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। सर्वाइवल क्यों? बिकॉज देखिए, अगर फेडरल नेचर नहीं होगा, पावर्स डिवाइडेड नहीं होंगी, तो पावर का सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, और पावर का अगर सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो बहुत सारे जो ऐसे कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे ऐसे एथनिक ग्रुप्स हैं जिनके जो कि अलग अलग तरीके से रहना चाहती हैं, वो लोग वैसे रह नहीं पाएंगे, उनका कल्चर डिस्ट्रॉय होगा, उनका लाइफ डिस्ट्रॉय होगा, उनकी जो लिविंग ट्रेडिशंस हैं वो डिस्ट्रॉय होंगी, राइट? लेकिन अगर हम फेडरल गवर्नमेंट बनाते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से वहां पर रहती है, अपने तरीके से लॉज बनाती है, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन मिलता है, वो लोग अपने तरीके से काम करना चाहते हैं, वो लोग अपने तरीके से रहना चाहते हैं, राइट? सो इसलिए फिलिप महमूद का कहना यह है कि एक ऐसी कंट्री जो कि कल्चरली डाइवर्स है और एक डेवलपिंग कंट्री जैसे कि इंडिया है, वहां पर फेडरलिज्म जो है सिर्फ और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम फेडरेशन को फॉलो करें, फेडरलिज्म को फॉलो करें। अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमें फेडरलिज्म को इतनी ही स्ट्रांगली फॉलो करना चाहिए, सो आफ्टर ऑल इंडिया ने अपने आप को फुल्ली फेडरल क्यों नहीं कर लिया? ऐसा क्यों नहीं बोल दिया कि हाँ ठीक है, हम यूनिटरी बिल्कुल नहीं है, वी आर टोटली फेडरल, हमने पूरी तरीके से पावर डिवाइड कर दिया। देखो एक चीज समझो, पावर का डिवाइड होना एंड देन उस डिवीजन को नेशन के अंदर डिवीजन करना, ये एक बहुत ही यू नो काइंड ऑफ गो टू अप्रोच होता है। मतलब समझो, दिस इज इंडिया, ठीक है? इंडिया के अंदर मैंने अगर अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग पावर्स दे दी, तो हर एक स्टेट के पास पावर है अपने आप को रेगुलेट करने का, अपने स्फीयर्स को रेगुलेट करने का। बट अगर मैं ऐसा बोल दूंगा कि फेडरलिज्म हमारे यहाँ पर वाटर टाइट है, मतलब कि हमारे यहाँ पर यूनिटरी का कंसेप्ट मैंने हटा दिया, सिर्फ और सिर्फ फेडरेशन ही है, मतलब हर एक स्टेट के पास अपनी पावर है, बट यूनियन की इनमें से किसी के पास पावर नहीं है, मतलब यूनियन गवर्नमेंट का किसी पर कोई हक नहीं है। सो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर महाराष्ट्र अपने आप को अलग करने की कोशिश करेगा कर्नाटका से? सिमिलरली कर्नाटका अपने आप को अलग करने की कोशिश करेगा केरला से? बिकॉज क्या होगा, तब एक्चुअली डिविजन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम बहुत ज्यादा फेडरल पावर्स दे देंगे स्टेट को, अगर हम ओवर आर्किंग पावर्स दे देंगे, तो स्टेट अपने आप को अलग करने की कोशिश करेगा, ठीक है? और ये चीज आप जानते हैं, बहुत सारी रीजनलिस्ट टेंडेंसीज, सेसेशनिस्ट टेंडेंसीज ऑलरेडी भारत के अंदर चलती हैं। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको ये समझना होगा कि इंडिया के अंदर फुल्ली फेडरल नेचर कभी भी नहीं हो सकता पावर डिविजन का। पावर हमेशा यूनिटरी प्लस फेडरल नेचर, इन दोनों को कंबाइन करके ही डिवाइड हो, ठीक है? सो आई होप इतना आप समझ गए। अब देखो, अब हमने फेडरेशन क्यों बनाया था? हमने फेडरेशन इसलिए बनाया था ताकि जो हमारा पावर है वो डिवाइडेड हो जाए, कुछ पावर सेंटर के पास रहे, कुछ पावर स्टेट के पास रहे। अगर हम स्टेट के बीच में भी बात करें, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि स्टेट के अंदर भी अलग अलग स्टेट के पास पावर डिवाइडेड है? मतलब महाराष्ट्र के पास जो पावर है वो डिफरेंट है देन पंजाब के पास, पंजाब के पास जो पावर है वो डिफरेंट है देन अरुणाचल प्रदेश, देन आंध्र प्रदेश, राइट? तो इस तरीके से पावर डिवाइडेड सिर्फ सेंटर और स्टेट, यानी कि सिर्फ वर्टिकल लेवल पे नहीं है, ज्यादातर हॉरिजॉन्टल लेवल पर भी पावर डिवाइडेड है। मतलब इस तरीके से कुछ पावर डिवाइडेड है, ठीक है? अब देखो, अगर हम यहाँ पर समझें, तो इस पावर डिवीजन के कारण भले वर्टिकल लेवल पे हो या फिर हॉरिजॉन्टल लेवल पे हो, बहुत सारे डिस्प्यूट्स भी इमर्ज हुए, राइट? केसीवियर एक कंसेप्ट कहते हैं, केसीवियर बोलते हैं कि भारत एक फेडरल गवर्नमेंट नहीं है, अदर भारत के अंदर क्वासी फेडरलिज्म फॉलो किया जाता है। क्वासी फेडरलिज्म, क्वासी का मतलब होता है हाफ, सिंपल वर्ड में हाफ फेडरलिज्म आप समझ सकते हो। मतलब फेडरेशन के हमारे यहाँ पर कुछ फीचर्स तो हैं, बट हम यहाँ पर फुली फेडरल नहीं है। देखो हमारे यहाँ पर बहुत सारे डिवीजन ऑफ पावर्स है, मतलब हमारे यहाँ पर बहुत सारे डिस्प्यूट्स हैं एक्चुअली। अब देखो तो बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारे इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स हैं, बहुत सारे लीगल डिस्प्यूट्स हैं, इतने सारे डिस्प्यूट्स हैं हमारे यहाँ पर कि एक्चुअली ये एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि हमारे जो फेडरल नेचर ऑफ गवर्नमेंट है वो कितना सक्सेसफुल होगा। देखो अगर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्प्यूट्स के एग्जांपल चाहिए, तो आप यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं कि आप जानते हो कि जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, स्पेशली आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके डेपुटेशन के लिए लगातार डिस्प्यूट होता रहता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएंगे या फिर स्टेट गवर्नमेंट में रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है।
सेकंड, अगर आप फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स के बारे में बात करेंगे तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर बात की, फिस्कल फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट, जहां पर हम फाइनेंशियल डिवीजन की बात करते हैं, पैसों के डिवीजन की बात करते हैं, टैक्सेस के डिवीजन की बात करते हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज के डिवीजन की बात करते हैं, ये सब काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, राइट? ये सब भी बहुत बड़ा डिवीजन काइंड ऑफ क्रिएट करते हैं, ये सब भी सेंट्रल और स्टेट के बीच में और डिफरेंट स्टेट के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं। अगर हम इंटर स्टेट डिस्प्यूट की बात करें तो क्या आप कह सकते हो कि वाटर शेयरिंग का कंसेप्ट, बॉर्डर शेयरिंग का कंसेप्ट, ये सब भी काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है, डिस्प्यूटेबल है। और अगर हम फाइनली लीगल डिस्प्यूट की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि आर्टिकल 356 जो प्रेसिडेंट्स रूल प्रोवाइड करता है उसके तहत सेंटर पूरी तरीके से स्टेट की पावर पे इंक्रोच कर लेता है, तो स्टेट को ये बात पसंद नहीं आती है, तो ये भी एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, राइट? तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के डिस्प्यूट्स को आप शो कर सकते हैं, बिकॉज क्वेश्चन इज एक्चुअली आस्किंग अबाउट द डिस्प्यूट्स ओनली। ठीक है, अब देखो, अब हमने डिस्प्यूट तो समझा दिए, क्या हम यहां पर रीजन समझा सकते हैं कि आफ्टर ऑल इन डिस्प्यूट्स का रीजन क्या क्या है, क्यों ये डिस्प्यूट्स इतने सारे होते हैं? तो देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलर रहे हैं जिनका नाम है एच के महेश्वरी। एच के महेश्वरी, एच के महेश्वरी का स्टेटमेंट ये है कि भारत के अंदर जो फेडरलिज्म है ना, वो दो टाइप के फेडरलिज्म है। पहली चीज तो कोअर्सिव फेडरलिज्म है और दूसरी चीज अकोमोडेटिव फेडरलिज्म है। अकोमोडेटिव फेडरलिज्म, ठीक है, इसका मतलब क्या? कोर्सिव का मतलब है कि भारत के अलग अलग स्टेट्स खुद से एक साथ आकर फेडरल नेचर नहीं बने, एक साथ आकर यूनिटरी और गवर्नमेंट के अंदर नहीं बने, उनको लाया गया है। आपको याद होगा सरदार पटेल ही इज क्रेडिटेड ऑफ बिल्डिंग दिस नेशन, तो उन्होंने अलग अलग स्टेट से बात करके, उनको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मना करके, कुछ को डायरेक्टली पीसफुली, कुछ को फोर्सफुली लेकर हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर लेकर आए, मतलब हमें एक सिंगल यूनिटरी गवर्नमेंट बनाने में हेल्प की। तो पहली चीज तो एच के महेश्वरी बोलते हैं कि हमारा भारत जो है एक कोअर्सिव नेचर के ऊपर बना हुआ है, और सेकंड चीज अकोमोडेटिव है। अकोमोडेटिव का मतलब क्या है कि यहां पर थोड़े थोड़े कॉम्प्रोमाइजेस चलते हैं। कॉम्प्रोमाइजेस का मतलब है कि देखो, अगर एक पर्टिकुलर स्टेट को कुछ चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ और चाहिए, तो दोनों को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना होगा। स्टेट को वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो स्टेट चाहता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को वो सब कुछ नहीं मिल सकता जो सेंट्रल चाहती है। स्टेट और सेंटर दोनों को साथ में मिलकर कुछ ऐसी चीजें करनी होगी जहां पर एकोमोडेशन हो सके, मतलब कॉम्प्रोमाइज हो सके, दोनों साथ में मिलकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि भारत के अंदर राइवलरी लगातार इमर्ज होती रहती है, बिकॉज ये जो एकोमोडेटिव नेचर है और जो कोअर्सिव नेचर है वो टाइम टू टाइम उठता रहता है, वो बाहर आता रहता है। उसके कारण अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज है हमारे स्टेट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उनके बीच में राइवलरीज होती रहती है, राइट? अगर आप देखो तो बहुत जगहों पर रीजनल जो रीजनलिज्म का कंसेप्ट है वो इमर्ज होता रहता है, जहां पर कुछ लोग बोलते हैं कि हम महाराष्ट्र से हैं तो हम मराठा से हैं, सो कुछ लोग ये बोलते हैं कि हम बोडोलैंड से हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम गोरखा लैंड से हैं, सो वी वॉन्ट डिफरेंट नेशन, राइट? तो इस तरीके के जो मतलब टेंडेंसी है, रीजनलिस्ट टेंडेंसीज है, वो लगातार भारत के अंदर इमर्ज होता रहता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो नॉर्थ ईस्ट के लोग जो हैं वो लोग काफी ज्यादा रीजनलिस्ट मतलब की तरह काम करते हैं, अपने एथनिसिटी को लेकर वो बहुत ज्यादा पर्टिकुलर होते हैं, वो किसी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं चाहते उनके खुद के कल्चर में, राइट? ये भी एक काइंड ऑफ डिस्प्यूट क्रिएट करता है हमारे स्टेट टू स्टेट रिलेशन के बीच में। फिर आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि लैंग्वेज के बेसिस पे मतलब बने हुए हैं, सो ऑब्वियसली उनका जो फेडरल कंसेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है, राइट? फिर कुछ जगहों पर अगर आप देखें तो एक कॉमन रिवर है जो कि दो डिफरेंट स्टेट से निकल रही है, मान लो तो दो डिफरेंट स्टेट्स में है, तो दोनों ही स्टेट्स उस पर्टिकुलर रिवर का प्रॉपरली पानी यूज करना चाहती है, जैसे आप कावेरी डिस्प्यूट को आप जानते ही हैं, राइट? तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि अलग अलग तरीके के जो डिस्प्यूट्स है उनका रीजन अलग अलग है, अलग अलग रीजन के कारण वो डिस्प्यूट्स इमर्ज हो रहे हैं, और वो डिस्प्यूट्स एक्चुअली अलग अलग रीजन के कारण इमर्ज हुए हैं। ठीक है, अब देखो, आप साथ ही साथ यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स बता सकते हैं कि एग्जैक्टली डिस्प्यूट्स के एग्जांपल क्या क्या हैं। आप यहाँ पर अगर बॉर्डर डिस्प्यूट बताना हो तो आप यहाँ पर असम और मणिपुर के बीच में जो अभी रिसेंट कंसेप्ट चल रहा है, वायलेंट क्लैशेस चल रहे हैं, आप इसको समझा सकते हैं। अगर आपको वाटर डिस्प्यूट समझाना हो तो इसमें तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल है। आप यहाँ पर कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो सबसे ज्यादा फेमस है उसका बता सकते हैं कि कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में उसने काफी सारी हॉरिजॉन्टल इंबैलेंसेस प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हुए हैं, राइट? कितनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर हमारे फेडरेशन के अंदर हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड चीज, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग बॉडीज बनाई गई थी इन मतलब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, जैसे इंटर स्टेट काउंसिल बनाया गया था, वाटर शेयरिंग ट्रिब्यूनल बनाया गया था, ये सब चीजें भी अपना काम सही से नहीं कर पाई है, तो उसके कारण भी हमारे जो डिस्प्यूट्स है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, उसके कारण भी हमारे डिस्प्यूट और ज्यादा इमर्ज हो रही है, राइट? तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल एग्जैक्टली हमारे प्रॉब्लम क्या क्या है, हमारे यहाँ पर डिस्प्यूट किस तरीके के हैं, आफ्टर ऑल किस तरीके के प्रॉब्लम जो है उसको इंडिया फेडरल नेचर के अंदर सह रहा है, सहने की कोशिश कर रहा है। तो क्या हम ये कह दें कि इसका कोई भी सॉल्यूशन ही नहीं है? नो, ऐसा नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी इसका कुछ सॉल्यूशंस अपने अलग अलग आर्टिकल्स के अंदर इसका प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, सो देखो, पहला चीज आप ये बोल सकते हैं कि वाटर के डिस्प्यूट के एडजुडिकेशन के लिए ऑब्वियसली इंटर स्टेट काउंसिल बनाए गए हैं, वाटर शेयरिंग ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं। सो ऑल्दो वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं है, बट एटलीस्ट उन्होंने कुछ ना कुछ काम डेफिनेटली किया है।
सेकेंड चीज हम कह सकते हैं कि जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो सिर्फ वाटर डिस्प्यूट्स को नहीं बट रादर बॉर्डर डिस्प्यूट्स को और अलग अलग तरीके के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको सॉल्व करने के लिए काम करता है। इंटर स्टेट काउंसिल का जो मीटिंग है वो हर साल होता है ताकि अलग अलग स्टेट्स एक साथ आकर के बातचीत करती हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करती है, किसी भी तरीके का अगर डिस्प्यूट हो जाए तो डिस्प्यूट को खत्म करने की कोशिश करती है, राइट। और थर्ड चीज हम कह सकते हैं कि देखो मान लो कि अगर एक पर्टिकुलर स्टेट है उस स्टेट के अंदर कोई लॉ बनता है, कोई जुडिशियल कोई प्रोनाउंसमेंट होती है तो इन सबको इक्वल रिकॉग्निशन प्रोवाइड किया जाएगा अलग स्टेट के अंदर अदर स्टेट्स के अंदर। मतलब कि मान लो महाराष्ट्र के अंदर अगर एक पर्टिकुलर लॉ बन रहा है तो उसकी जो मतलब अगर देखो अगर वो वैलिड है, अगर वो वैलिड है तो इसकी प्रोनाउंसमेंट कर्नाटक के अंदर भी होगी, राइट। अगर ये वैलिड है तो उसकी प्रोनाउंसमेंट किसी और स्टेट के अंदर भी होगी, और अगर वैलिडिटी नहीं होगी तो एटलीस्ट इसके रिस्पेक्ट की जाएगी। अगर भले ही कर्नाटक के अंदर सेम लॉ फॉलो नहीं हो रहा है बट इस पर्टिकुलर लॉ का रिस्पेक्ट किया जाएगा, राइट। कर्नाटक गवर्नमेंट कोई भी ऐसे स्टेप्स नहीं लेगी कि जिसके थ्रू महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये पर्टिकुलर लॉ वायलेट होना स्टार्ट हो जाए, राइट। ये भी एक चीज दी गई है, मतलब इक्वल रिकॉग्निशन दिया गया है पब्लिक एक्शंस का। फिर इसके अलावा आप देख सकते हो कि हमारे यहाँ पर फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड किया गया है, अलग अलग टाइप के रीजनल काउंसिल्स फॉर्म किए गए हैं। इस तरीके से आप बता सकते हैं कि आफ्टर ऑल किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं जिसके थ्रू हम एक्चुअली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। फाइनली अपने आंसर को एंड करते समय आप क्या लिखेंगे, आप किस तरीके से एंड करेंगे, आप यहाँ पर बता सकते हैं कि देखो जो अलग अलग तरीके के प्रोविजंस हैं जिसके थ्रू हम एक्चुअली इन डिस्प्यूट्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपने फेडरल नेचर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उन सब चीजों को करने की जरूरत है। सरकार या कमीशन ने भी इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर रिकमेंडेशन किया था कि जो हमारा फेडरल गवर्नमेंट है उसको एक बहुत ही प्रोएक्टिव स्टेप लेना होगा ताकि सेंट्रल और स्टेट के बीच में वर्टिकल इंबैलेंसेस और स्टेट और स्टेट के बीच में हॉरिजॉन्टल इंबैलेंसेस दोनों को ही हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। इंटर स्टेट काउंसिल का सही तरीके से इस्तेमाल करना होगा, रेगुलर इनकी मीटिंग्स करानी होंगी ताकि डिफरेंट स्टेट्स एक साथ आकर के अपने ग्रीवांसेस को रख सके, बातचीत कर सके और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, राइट। सो आई होप आप ये चीज समझ गए कि किस तरीके से आफ्टर ऑल इस चीज को आपको लिखना था। That's all from this particular video. Thank you so much for listening.